नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। तो बात करेंगे रेवाड़ी शहर की। तो मैं सौरभ शर्मा आज आपको पूरा रेवाड़ी के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारे चैनल पर रेवाड़ी की रोजाना खबरें आपको मिलेंगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो रेवाड़ी में कल 87 नए केस सामने निकल कर आए हैं, जिनमें से रेवाड़ी शहर से 72 केस आए हैं, हजारीबास में 4 केस आए हैं, धारवेड़ा झोलरी खोरी में 2-2 केस सामने निकल कर आए हैं, अकबरपुर बांस बिटोड़ी बालियर कला में 1-1 केस सामने निकल कर आया है, बिहारीपुर मीरपुर में भी 1-1 केस सामने निकल कर आया है। तो ये 87 केस कल रेवाड़ी में नए आए हैं। इसी के साथ अच्छी खबर ये कि रेवाड़ी में कल 114 लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं, जिनमें से रेवाड़ी शहर में 50, धारवेड़ा में 29, बावल में 12, कोसली में 6, भड़ंगी डहीना कहाड़ी में 1-1 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर वापस गया है, नंगली परसापुर रामपुरा शाहपुर में भी 1-1 व्यक्ति। इसी के बाद बामबड़ मलेशिया व सुधराना में 1-1 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं, भटसान में भी 1 और भाड़ावास में भी 1 व्यक्ति। तो ये 114 लोग कल रेवाड़ी में ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। इसी के साथ अब रेवाड़ी की टोटल बात करूँ तो 5793 केस हो चुके हैं, जिनमें से 5194 लोग ठीक हो चुके हैं, 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, बड़ी खबर की कल रेवाड़ी में एक और आदमी ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से, और 568 लोगों का भी इलाज चल रहा है रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में टोटल बात करो तो 130,133 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी खबर ये कि रिकवरी रेट हरियाणा का लगातार बढ़ता जा रहा है और 115,307 लोग ठीक हो चुके हैं हरियाणा में। इसी के साथ बुरी खबर एक ये है कि 1430 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हरियाणा में और 13,487 एक्टिव केस रह गए हैं हरियाणा में। इसके बाद रेवाड़ी की और बड़ी खबरें मैं आपको दिखा देता हूँ। जिले में 15 कॉलेज की पहली कट ऑफ लिस्ट लगी हुई। देखिए, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पूरा जितने भी 15 कॉलेज हैं उनके मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग ज़्यादातर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको आराम से। और 3-4 कॉलेज यहाँ पर भी हैं। इसके बाद हाथरस कांड में राहुल गांधी पहुंचे, उनसे धक्का मुक्की की बात को गलत कहा है चिरंजीव राव ने। रेवाड़ी के जो विधायक, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के साथ ये अच्छा नहीं किया है और यूपी सरकार ने ये गलत किया है, राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद पुलिस ने गऊ तस्करों को पकड़ा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जाटूसाना थाना पुलिस ने कैंटर में गायों व गौवंश को बेरहमी से बांध कर ले जा रहे गऊ तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया है, और उसके बाद गऊ और जो भी वे थे उन सभी को बचा लिया है। लेकिन दबोचने से पहले ही जो भी वहाँ पे जितने भी गंद मतलब ऐसे लोग थे जो गायों को पकड़ के ले जा रहे थे, वो फरार हो गए। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये चिरंजीव राव ने कल स्टेटमेंट दिया जो मैंने अभी आपको बताया राहुल गांधी के ऊपर। और मंडियों में बाजरे की खरीद शुरू, SMS द्वारा बताया जा रहा है किसानों को पहले ही। और कल मंडी में 4200 क्विंटल की खरीद हुई बाजरे की। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, ये देख सकते हैं आप, जो कल 4200 क्विंटल बाजरे की खरीद हुई, इसमें आप फोटो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाया है। पेंटिंग के जरिए बेटी को न्याय दिलाने की मांग। देखिए, जाटूसाना के एक प्रसिद्ध पेंटिंग जो करते हैं वो है, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है, मतलब पेंटिंग से उन्होंने ये कहा है कि सरकार को ये दिलाया याद कि प्लीज़ उस बच्ची को न्याय मिले। मैं आपको वो पेंटिंग की फ़ोटो दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, कितनी अच्छी तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है कलाकार द्वारा, आप भी देख सकते हैं ये पेंटिंग। और लास्ट खबर है हमारे पास, हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। देखिए आप ये फोटो देख सकते हैं। और एक और बात देखिए कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए योगी सरकार को, वो कुछ नहीं कर रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर BJP ने ये कहा है कि जो कांग्रेस का टाइम था क्या तब गलत काम नहीं होते थे, और जो निर्भया का जो केस हुआ था वो भी सेंट्रल लेवल पे, तब कांग्रेस ही थी। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार इसमें सिर्फ कानून बना सकती है, तो कानून बनाने के लिए बिल पारित किया जाना चाहिए इससे रिलेटेड कुछ। तो देखिए, आप बताइए कि सरकार की गलती है या फिर अपने कानून में कोई कमी है। हमें तो लगता है कि कानून में कमी है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दिए। धन्यवाद ऐसे हमारे चैनल को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप रोजाना की रेवाड़ी की खबर देख सकें। धन्यवाद।